When we talk about interest rates, it is important to understand the difference between nominal interest rate and the real interest rate. So, when I differentiate between the nominal and the real interest rates, it means that I am considering the important role played by inflation. So, when we talk about the interest rates, again, we need to understand that the inflation अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ़ द इंटरेस्ट रेट बिकॉज इफ़ आई प्रोमिस कि मैं आप मुझे लेंड कर दें एक लाख रुपए और मैं आपको एक लाख के ऊपर दस परसेंट इंटरेस्ट दूँगी बाय द एंड ऑफ अ अयर तो इट मेक सेंस आपको लग रहा है कि मुझे दस परसेंट ऑफ़ एक लाख इजाफ़ी अमाउंट मिल रही है जो मैं अपने एक लाख को फॉर्गो कर रहा हूँ या लैंड कराऊँ लेकिन साथ ही में अगर 12 परसेंट प्राइस इनक्रीज़ कर जाएँ तो जब मैं आपको 10 परसेंट प्रिंसिपल के साथ में सूद के तौर पे आपको दूंगी तो आपको तो नुकसान हो गया बजाय इसके कि आपको प्रॉफिट हुआ क्योंकि जो मैंने आपको इंटरेस्ट यानी कि सूद प्रिंसिपल के अलावा दिया है दैट वाज टेन परसेंट बट आपका जो परचेजिंग पावर है वो नीचे चला गया बाय ट्वेल्व परसेंट सो व्हेन वी आर कंसिडरिंग द इंटरेस्ट रेट वैन वी आर कंसिडरिंग द इन्वेस्टमेंट्स और हम इंटरेस्ट को इंटरेस्ट रेट को उसके साथ मैच करके डिसाइड करते हैं कि हमें सूद पे कोई मनी बोरो करनी चाहिए या लैंड करनी चाहिए तो उसमें हमें बहुत जरूरी है कि हम उसको कंसिडर करें कि उसमें इन्फ्लेशन का कंट्रीब्यूशन क्या है सो वेन वी आर कंसिडरिंग द इन्फ्लेशन इट मीन्स दैन वी कैन लुक एट द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एंड द रियल इंटरेस्ट रेट सो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या होती है इट इज़ बेसिकली द इंटरेस्ट रेट ऑन अ बॉन्ड विच इज़ द प्रामिस्ड अमाउंट ऑफ मनी यू रिसीव पर यूनिट यू लेंड जैसे मैंने आपको बोला मैं आपको दस परसेंट सूद के ऊपर एक लाख रुपये बोरो कर करने जा रही हूँ तो ये जो दस परसेंट है दिस विल बी द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट रियल रेट ऑफ रिटर्न या रियल इंटरेस्ट रेट वो इंटरेस्ट रेट होती है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं जब हम नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लेशन को की वैल्यू को कंसिडर करके एडजस्ट करेंगे सो so, अब आप सोच रहे होंगे कि इन्फ्लेशन को कैसे कंसिडर किया जाता है तो इन्फ्लेशन को मायर करने के मुख्तलिफ तरीके हैं डिफरेंट um, कंट्रीज़ में डिफरेंट तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं जनरली हम जो एक एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं इन्फ्लेशन को असेस करने के लिए या मायर करने के लिए दैट इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स विच इज़ एब्रीविएटेड एज सी पी आई पाकिस्तान में हमारे पास पहले तीन थे अभी चार तरीक़े हैं जिससे आप इन्फ्लेशन को मैजर करते हैं हुकूमत आपको कैलकुलेट करके देती है जिसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कॉन्सेप्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है जिसको हम एब्रीवेट करते हैं सी के तौर पर और सी पी आई बेसिकली करती क्या है ये एवरेज चेंज इन प्राइसिस को अकाउंट फॉर करती है ओवर टाइम और जो हमारे पास पाकिस्तान में यहाँ पैमाना है जिसकी बेसिस के ऊपर आप कंपेयर करते हो कि प्राइसेस ऊपर चले गए हैं नीचे चले गए दैट इज़ अ मंथ तो हुकूमत हर महीने की बेसिस के ऊपर एक बास्केट बनाई हुई है उसने जिसमें आम आदमी के डे टू डे इस्तेमाल करने के चीज़ें गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड किए जाते हैं सो एक फ़िज़िकल बास्केट नहीं है दिस इज़ अ कॉन्सेपचुअल बास्केट जिसमें 487 ऐसे आइटम्स को कंसिडर किया जाता है जो एक, एक आम आदमी के रोज़मर जिंदगी के गुजारने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं इनमें सर्विसेज़ भी हैं इनमें गुड्स भी हैं इनमें सब्जियाँ फ्रूट घी इस तरह की चीज़ें या ऑयल कुकिंग ऑयल इस तरह की सारी चीज़ें डाल के उन्होंने एक बास्केट बनाया है तो हर महीने कीमतें कंसिडर की जाती हैं इन फोर आइटम्स के ऊपर तो अभी फॉर एग्ज़ाम्पल जनवरी में आपने 487 आइटम्स को लिया और इन जो आपने लिस्ट बनाई हुई आम आदमी के रोज़मर के इस्तेमाल की चीज़ें आपने उनको कंसिडर किया उनकी कीमतें काउंट फॉर की फिर फ़रवरी में उन्हीं चीज़ों की कीमतों को काउंट फ़ॉर किया तो फिर आप उसमें से डिफरेंस निकालते हैं कि कितने परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज आया तो है तो दैट गिव्स यू द माइर ऑफ़ सी पी आई इसके अलावा हम होल सेल प्राइस इंडेक्स इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान में सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स इस्तेमाल करते हैं और अभी एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है ने दैट इज़ द कोर इन्फ्लेशन इंडेक्स या कोर इन्फ्लेशन रेट जिसमें आप uh, रोजमर्रा की जो खाने पीने की चीज़ें हैं uh, उनको हटा के निकाल के जो कोर चीज़ें हैं सिर्फ उनको कंसिडर करके एक इन्फ्लेशन की वैल्यू को निकाला जाता है सो वेन वी टॉक अबाउट द रियल इंटरेस्ट रेट What we are doing is we are considering the nominal interest rate, we are considering the c p i and we are trying to find out the real interest rate by using these two values. Let's look at the formula, which will help us in understanding how the real rate will be calculated. So how nominal interest rate co consider Kia, pay inflation ki rate co consider Kia inflation may say. नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में से इन्फ्लेशन को डिडक्ट कर दिया और डिवाइड किया आपने वन प्लस रेट ऑफ इन्फ्लेशन के साथ तो आपके पास ये रियल रेट कैलकुलेट हो जाएगा सो फॉर इलास्ट्रेशन मेरे पास एक एग्जांपल है सो लेट्स डिस्कस दिस एग्जांपल सपोज किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने आपको ऑफर किया है कि हम आपको रेट ऑफ रिटर्न देंगे किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आठ परसेंट और इन्फ्लेशन हुकूमत ने रिपोर्ट की दैट टर्नड आउट टू बी फाइव तो अगर आपको रियल रेट ऑफ़ इंटरेस्ट निकालना है क्या रियल रेट ऑफ़ रिटर्न निकालना है तो इट वुड बी सिंपली एट परसेंट माइनस फाइव परसेंट डिवाइड बाई वन प्लस फाइव परसेंट सो दिस विल बी नॉट पॉइंट नॉट थ्री डिडेड बाई वन पॉइंट जीरो फाइव एंड दिस विल गिव यू जीरो पॉइंट जीरो टू एट फाइव सेवन या इसको हम अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो इट वुड बी टू पॉइंट एट फाइव परसेंट सो जस्ट टू कंपेयर आपको नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न जो मिल रही थी दैट वॉज एट परसेंट तो अगर आप नॉमिनल वैल्यू को देखेंगे तो वो काफ़ी हाई है एट परसेंट लेकिन जब आप उसको इन्फ्लेशन एडजस्ट करते हैं बाई कंसिडरिंग द वैल्यू ऑफ इन्फ्लेशन तो आप यू रियलाइज के वो सिर्फ 2.85 परसेंट है तो 2.85 परसेंट और 8 परसेंट में काफ़ी फ़र्क है सो दे फॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर द इन्फ्लेशन वेन वी आर ट्राइंग टू मेक दिसशन बाई ओनली कंसिडरिंग द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स सो इसी चीज़ को मद्देनजर रख के वी हैव ऑब्जर्व दैट देर आर सेवरल कंट्रीज जिन्होंने इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेट्स uh, देने शुरू किए हैं फॉर एग्जांपल यूके में देर इज़ इंडेक्स लिंक्ड बॉन्ड्स जो कि 1981 में लॉन्च किए गए थे इसी तरह से यूएसए में 1997 में हमने देखा ट्राइरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज़ जिनको एब्रीविएट किया जाता है एज टिप्स वर लॉन्च बाय यू गवर्नमेंट जिनमें आप जो रिटर्न आती है वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड होती है सो इन ऑर्डर टू मेक बेटर डिसीशन वेन यू आर इन्वेस्टिंग इन अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इट इज़ एसेंशल टू कंसिडर Uh, not only the nominal interest rate or the nominal return we need to consider the real return also by by analyzing or looking at the values of the inflation